मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी कंट्रोवर्सी आग की तरह फैल रही है, जो विवेक बिंद्रा पर भारी पड़ती दिख रही है। एंड अदर साइड, विवेक बिंद्रा की वाइफ ने उनके अगेंस्ट मारपीट की FIR दर्ज कर दी है। यहां तक कि विवेक बिंद्रा की डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है और उनके बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, लेट्स नो अबाउट इट। तो ये मामला स्टार्ट होता है संदीप महेश्वरी के एक वीडियो से, जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था विद द टाइटल ऑफ बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें पब्लिक या स्टूडेंट्स खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि बिजनेस लर्निंग कोर्स के लिए कैसे उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। एंड उन्हें ऐसा कोई बिजनेस आइडिया नहीं दिया जाता कि जो वैल्यूएबल हो या फिर वर्थ इट हो। एंड आफ्टर दैट उन्हें ये पैसा रिटर्न तक नहीं किया जाता, बल्कि ये बोला जाता है कि आप इस कोर्स को आगे सेल करो और कमीशन कमाओ। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें उतरने के बाद स्टूडेंट्स इसमें फंसते चले जाते हैं और उन्हें ये बोला जाता है कि तुम्हारा कट चुका है, अब औरों को भी बेवकूफ बनाओ। अब आपका भी कभी ना कभी किसी ऐसी डील या किसी ऐसे बंदे से ऑफलाइन या ऑनलाइन सामना जरूर हुआ होगा, बट ओनली संदीप महेश्वरी हैज डेयर टू राइज वॉइस अगेंस्ट इट। और उनके इस 10 मिनट के वीडियो को आप देखेंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐसी प्रॉब्लम फेस की है, जो इस स्कैम का शिकार हुए हैं, उनके बारे में जानकर यू विल बी शॉक्ड। अब इसमें विवेक बिंद्रा की एंट्री कैसे हुई, लेट्स नो अबाउट इट। संदीप सर ने दो वीडियोस अपलोड किए, जिसमें पहले वीडियो पर अभी हमने बात की और दूसरा स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से, जिसमें खुद एक बंदा जो एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाता है, उससे संदीप महेश्वरी इस बिजनेस आइडिया पर डिस्कस करते हैं। अब इन दोनों वीडियोस को अगर आप देखोगे तो इनमें कहीं भी किसी भी ऐसे बिजनेसमैन का या किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। संदीप सर केवल लोगों के साथ होने वाले स्कैम पर बात करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं, ताकि लोग ऐसे स्कैम से बच कर रहें और ऐसे पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए शॉर्टकट्स की जगह बेटर करियर ऑप्शन चूज कर सकें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो खुद बड़ा बिजनेस नाम से एक कंपनी चलाते हैं और पब्लिक को महीने के लाखों रुपए कमाने के लिए उन्हें बिजनेस सिखाने के लिए दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स, जिनमें स्टार्टिंग में आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं एंड बाद में एक बड़ा अमाउंट मांगा जाता है और ऐसा करके आपसे लाखों रुपए तक ले लिए जाते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू कि संदीप सर ने कहीं भी किसी का भी नाम नहीं लिया, बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने डायरेक्ट इसे अपने ऊपर ले लिया और अपने पोस्ट और वीडियो में सफाई देनी चाहिए। एंड अपने यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर संदीप महेश्वरी के इस वीडियो का रेस्पॉन्स दिया। विवेक बिंद्रा ने कहा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा बिग स्कैम एक्सपोज, चूंकि आपने कंफर्म किया है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर डिस्कस करना चाहिए, ताकि ऑडियंस के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप भी इस कम्युनिटी पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट के बाद संदीप महेश्वरी ने भी अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर विवेक बिंद्रा को जवाब देते हुए लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्यवाही की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? संदीप महेश्वरी की इस कम्युनिटी पोस्ट को भी आप वीडियो पोस्ट कर पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो अपलोड किया #JaneManBiggestControversy नाम से, जिसमें विवेक बिंद्रा ने संदीप सर को जानेमन नाम से पुकारा एंड सेड दैट कि संदीप सर ने उन पर लीगल नोटिस भेजने का आरोप लगाया, और विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अगर मैंने लीगल नोटिस भेजा है तो उसे दिखाओ और प्रूफ करो। बट लेट मी नो यू कि संदीप सर ने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि विवेक बिंद्रा ने और उनके लोगों ने संदीप महेश्वरी पर लीगल कार्यवाही करने की धमकी दी है, ना कि कोई लीगल नोटिस भेजा है, जिस पर विवेक बिंद्रा ने गलत तरीके से रेस्पॉन्ड किया है। एंड विवेक बिंद्रा इस वीडियो में आगे क्या बोलते हैं, ये भी सुनिए। आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या होता है इसका? ओके, आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा मुझसे सवाल करवा, उसका पैसा रिफंड करती ऑन द स्पॉट। आपने क्या नंबर ब्लॉक कर दिए, सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। अब इस वीडियो में विवेक बिंद्रा खुद को पूरी तरीके से डिफेंड करते दिखते हैं और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं, रिफंड की प्रोसेस बताते हैं और संदीप महेश्वरी को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ब्लेम करते हैं और संदीप सर को बार बार बात करने के लिए कहते हैं। बट इस पूरे मैटर पर जहां संदीप सर ने किसी का नाम तक नहीं लिया था, उस पर विवेक बिंद्रा का बेवजह बीच में कूदना विवेक बिंद्रा को ही भारी पड़ गया। एंड आफ्टर दैट संदीप सर को मजबूर होकर डायरेक्ट विवेक बिंद्रा को टारगेट करते हुए वीडियो अपलोड करना पड़ा, जिसमें # यूज किया गया है स्टॉप विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में संदीप सर लोगों से उनके रियल एक्सपीरियंस पर बात करते हैं, कैसे ये चैन सिस्टम और बिजनेस लोगों के साथ उनके पैसे और उनके टाइम के साथ एक फ्रॉड है और एक स्कैम है। की कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। साक्षात विवेक बिंद्रा जी।
और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। एंड अब संदीप महेश्वरी डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को पॉइंट कर कहते हैं कि जब बात नॉर्मल बिजनेस की और अवेयरनेस की चल रही थी तो विवेक बिंद्रा क्यों बीच में कूदे और सारे ब्लेम्स जो डायरेक्टली किसी को पॉइंट नहीं कर रहे थे उन्हें खुद पढ़ ले लिया। और इस पर मीम्स भी बनने लगे कि उड़ता तीर कैसे लेते हैं, ये कोई विवेक बिंद्रा से सीखे। इस वीडियो में संदीप सर ने विवेक बिंद्रा के सवालों के जवाब दिए कि स्कैम क्या है और कैसे लोगों से इस बिजनेस के जरिए पैसे लिए जाते हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, और ऐसे चैन सिस्टम या चिट फंड जैसे बिजनेस के अगेंस्ट इंडिया में लॉज क्या कहते हैं इस पर भी डिटेल में बताया। और एंड में इस स्कैम में फंसे लोगों को बचाने के लिए, उनके पैसे वापस दिलाने के लिए और ऐसे लोगों के लिए लॉ फर्म हायर करने की बात भी कहते हैं। और इसी के साथ संदीप महेश्वरी ऐसी बात बोल जाते हैं जो आज तक उन्होंने कभी नहीं कही। संदीप सर सेड दैट अगर इस लॉ फर्म को पे करने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो इसके लिए अपने YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं और पैसे आ जाने पर मोनेटाइजेशन वापस बंद कर देंगे। अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूँ कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा। वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखें तो संदीप सर नॉर्मली ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जिनमें वो अवेयरनेस, मोटिवेशन या किन्हीं इश्यूज पर बात करते हैं, और ऐसा वो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। ऐसा ही ये वीडियो था जिसमें विवेक बिंद्रा ने बेवजह एंट्री मारी और संदीप सर को इसके लिए ब्लेम किया। एंड अब विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस के फ्रॉड भी सामने आ गए, जिसमें कैसे उन्होंने स्टडी करने वाले बच्चों से बिजनेस आइडिया शेयर करने के लिए पैसे लिए और उन्हें वापस रिटर्न मांगने पर रिटर्न नहीं दिया गया। विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस कंपनी के ऐसे कई फ्रॉड और स्कैम के बारे में यूट्यूब पर कई वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिन्हें आप खुद सर्च कर देख सकते हैं, जो फुली विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करते हैं। यहां तक कि संदीप सर के लास्ट वीडियो में विवेक बिंद्रा के डॉक्टर की डिग्री पर भी सवाल खड़े किए गए हैं जो श्रीलंका से खरीदी हुई है, और साथ ही 10 डेज MBA कोर्स चलाकर विवेक बिंद्रा लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। तो केवल प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनली भी विवेक बिंद्रा पर एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। 6 दिसंबर को इनकी शादी यानिका से हुई थी, जिन्होंने इन पर एलिगेशन लगाते हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। शादी के कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा और उनकी माँ के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें बीच बचाव करने के लिए यानिका आ गई। आरोप के अकॉर्डिंग विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ यानिका को कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की, जिससे यानिका को काफी चोट भी आई है। इस पर यानिका के भाई यानी विवेक बिंद्रा के साले वैभव ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। अब विवेक बिंद्रा का वक्त यूं बदला कि उनके सारे उल्टे कामों का हिसाब होना शुरू हो गया है और पब्लिक पूरी तरह से उनके अगेंस्ट हो गई है। फिर चाहे वो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी का मैटर हो या उनकी मैरिड लाइफ या FIR का मैटर हो, विवेक बिंद्रा बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। अब आपका इस मैटर पर क्या सोचना है, आप किसके फेवर में है, राइट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।